नमस्कार प्रणाम, आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का उसी फिल्म यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हारमोनियम पर गाना निकालने का जो आसान तरीका है मैं बताऊंगा, और आज के बाद हारमोनियम पर कोई भी गीत आप आसानी से बजा सकते हैं खुद से ढूंढकर। तो चलिए, करना क्या है आपको कि कोई भी गीत एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको निकालना है। तो जिस सॉन्ग को आप निकालने के लिए जा रहे हैं वह सॉन्ग आपको पता होना चाहिए, और सिर्फ यही इसका जो लॉजिक बातें हैं कि जिस गीत को आप निकालना चाह रहे हैं वह आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी जो है खुद ब खुद जो गाना निकलेगा। ठीक है, तो चलिए एक सॉन्ग मैं लेता हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। अनाड़ी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, 1993 का यह फिल्म है जिसमें उदित नारायण जी ने गाया इस सॉन्ग को। तो देखिए, हारमोनियम पर अगर आप गाना निकालने के लिए चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, गाने का स्टेप बाय स्टेप अलग करना जरूरी है। जैसे पूरा सॉन्ग एक बार में नहीं बजेगा, बेसिक से हारमोनियम सीखना एक अलग चीज़ है, और हारमोनियम पर गाना निकालना, इसे कोई भी गीत सुन करके बजाना, इसे सुगम संगीत कहते हैं। तो यह एक अलग चीज़ है, आप बेसिक से जानकारी रखिए। लेकिन क्या है ना कि हारमोनियम पर जब गाना निकालने की बारी आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं आज यह वीडियो लाया हूँ ताकि आप आसानी से बजा सके। और जब तक आप बजा ना लें हारमोनियम पर कोई भी 2-4-10 गाने खुद से, तब तक सीखने में मज़ा भी नहीं आता है। तो चलिए आज यह प्रॉब्लम को दूर करते हैं और ढूंढते हैं गाना कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, आज इसे समझेंगे कि गाना ढूंढा कैसे जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं हमेशा की तरह इस बार भी इतने ब्लैक बटन को कवर किया हूँ, देख लीजिए इस तरीके से आप भी कीजिए। और जो स्केल है एक नंबर पे रखना है, यहाँ पे सारेगामा का ऑप्शन यहाँ से चालू होता है। ठीक है, सारेगामा का ऑप्शन चालू कर देना ताकि समझ में आ जाए पूरा। और उसके बाद पकड़, ये दोनों हमेशा ये दोनों बटन के ऊपर रखिए, मिडिल ऑक्टेव से जो है आप कोई भी सॉन्ग को ढूंढिए। ठीक है, अब इसमें स्वर मिलाना है। फूलों सा, तो इस पे रखने के बाद गुनगुनाएंगे ना तो पता चलेगा कि स्वर, देखिए हारमोनियम में क्या होता है, ये साइड से ये साइड जब जाएंगे तो स्वर ऊपर की, ऊपर स्वर का जो रेंज है वह हाई रेंज में सुनाई देगी। ठीक है, इधर से इधर आएंगे तो लो रेंज में, रेंज घट जाता है, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ जाता है। और यहाँ रखने के बाद हमें गाना गुनगुनाने के बाद एक चीज पता चलता है कि स्वर का रेंज ऊपर है या नीचे। तो पहला स्टेप है इधर से इधर जाएगी। ठीक है, अब कहाँ से कौन सा बटन से शुरू है तो हमें चेक करना है, साथ से हम चेक करेंगे। और जो सॉन्ग जहाँ से चालू होता है बस उसी को सा मानिए, क्योंकि सारे गामा 12 जगह से आप बजा सकते हैं, 12 स्केल है। तो जिस सॉन्ग आप बजा रहे हैं और जो जिस बटन से चालू है उसे सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिला है तो दोनों लग रहा है, फूलों सा ये नहीं लगेगा, फूलों सा ये भी नहीं है, फूलों सा, क्लियर। यानी कि एक एक बटन को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे पहला स्टेप हमें मिल चुका है, फूलों सा। अब दूसरा स्टेप ढूंढना है, चेहरा तेरा। ठीक है, अब देखेंगे, फूलों सा इसे पकड़ के रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, चेहरा तेरा। अब आगे या पीछे ये इतना ही होगा, ये साइड ज्यादा हाई हो रहा है इसलिए हम वापस चेक करेंगे, फूलों सा चेहरा कौन सा होगा, ध्यान देना। इसी तरीके से आपको ढूंढना है कि कौन सा बटन हो सकता है, फूलों सा चेहरा तेरा। ठीक है, यहां से यहां जाना है। उसके बाद अगला स्टेप है, कलियों से मुस्कान है चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। ठीक है, कलियों से मुस्कान है मिल चुका है। इसके बाद इसका अगला स्टेप है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है।
रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। देख रहे हैं मिडिल ऑक्टेव के जो जितना बटम है मिडिल ऑक्टेव में, बस उतने में ही पूरा का पूरा सॉन्ग यहाँ पे बज चुका है। चलिए एक बार शुरू से देखते हैं, पूरा स्टेप एक साथ बजाते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ठीक है, कुदरत भी हैरान है। ठीक है, तो साथियों यही तरीका है गाना निकालने का। एक एक स्टेप को आप अलग कीजिए और फिर ढूंढिए इसका जो अंतरा है वो भी काफी प्यारा है। देखिए कैसे, एक एक फिंगर से देखेंगे। चांद सितारों में, लाख हजारों में तेरे जैसा कोई जवाब नहीं है। तो साथियों यह था तरीका हारमोनियम सीखने का। आप आसानी से घर बैठे हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो यह तरीका आपको अपनाइए और कोई भी गाना खुद से बजाना सीखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।